नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है विंध्या टाइम्स में और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर हैं बुलेटिन की खबरों के साथ। पहली खबर पर नजर डालते हैं। रीवा जिले में लक्ष्मण बाग संस्थान की जमीन का मामला शांत नहीं हुआ है। हाल ही में लक्ष्मण बाग संस्थान की जमीन जो बद्रीनाथ धाम में थी उसे जिला प्रशासन ने बेचकर 4.25 करोड़ रुपए की राशि लेकर चेक लेकर वापस आ गए थे, जिसके बाद यह पूरा मुद्दा उठा और अब रीवा की जनता के हक और उनके अधिकार वापस देने की मांग उठ रही है। आज इस पूरे मामले में महिला कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष कविता पांडे ने प्रेसवार्ता आयोजित की। प्रेसवार्ता में उन्होंने कहा कि बद्रीनाथ में रीवा की जनता के लिए धर्मशाला, गेस्ट हाउस, गौशाला, भंडार आदि की व्यवस्था जो की गई थी वह नष्ट हो गई, जिससे विंध्य प्रदेश और रीवा के जाने वाले तीर्थ यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि बद्रीनाथ का विकास जरूर होना चाहिए, लेकिन जो मसौदा तैयार किया गया है उसके तहत उससे हटकर नहीं। बद्रीनाथ में रीवा की संपदा होना विंध्य और रीवा वासियों के लिए गौरव का विषय है और विंध्यवासी इससे समझौता नहीं करते। प्रेसवार्ता के माध्यम से कांग्रेस नेत्री कविता पांडे ने यह कहा कि जो समझौता किया गया है उसे रद्द किया जाए और बद्रीनाथ धाम में लक्ष्मण बाग संस्थान की जो जमीन बेचकर पैसा लिया गया है उसे वापस कर बद्रीनाथ में लक्ष्मण बाग की जमीन वापस ली जाए। यह मांग कांग्रेस नेत्री ने प्रदेश सरकार से की और निशाना साधते हुए यह भी कहा कि अगर सरकार के पास पैसे नहीं हैं तो विंध्य की जनता पाई पाई इकट्ठा करके उन्हें पैसे देगी ताकि विंध्य की संपदा को बचाया जा सके। रीवा जिले में पिछले 3 दिनों से अगस्त क्रांति मंच का धरना जारी है। एक्सीडेंट में मारे गए युवक की मां को न्याय दिलाने, अभी भी अस्पताल में एडमिट युवक के इलाज के लिए और भ्रष्टाचारी आरोपी पर कार्यवाही की मांग को लेकर यह अनशन चल रहा है, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्यवाही अभी तक नहीं की गई। अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी के खिलाफ तमाम सबूत और वीडियोज हैं, लेकिन अभी तक आरोपी पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं हुई। हरीश शर्मा पर भ्रष्टाचार का आरोप है, बावजूद इसके वह अपनी सेवाएं दे रहा है और पुलिस अभी तक उसे पकड़ नहीं पाई। कुंज बिहारी तिवारी ने कहा कि उनके सहयोगियों पर भी कार्यवाही हो और इस पूरे मामले में अच्छे से जांच हो। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि अभी तक पीड़ित परिवार और घायल युवक की मदद करते हुए 3 लाख से ज़्यादा रुपयों का भुगतान सबकी मदद से किया जा चुका है। इसके साथ ही अनशन पर बैठे सभी लोगों का धीरे धीरे स्वास्थ्य भी बिगड़ रहा है। बीपी लो होने की बात सामने आ रही है, जिस पर प्रशासन ने मेडिकल कराने की बात तो कही, लेकिन खबर लिखे जाने तक प्रशासन की ओर से कोई मेडिकल कराने की तैयारी नहीं की गई थी। इसके अलावा इस पूरे मामले पर भी प्रशासनिक अमले द्वारा कोई कठोर कार्यवाही नहीं की जा रही है, इसलिए अभी तक अगस्त क्रांति मंच न्याय की मांग करता हुआ अनशन पर डटा हुआ है। तो कोई याद दिला रहा है, जब एक अपराधी जो 420-409 का अपराधी है और लगातार वो फरार है और रेगुलर ड्यूटी भी कर रहा है, कैसे संभव होगा? रीवा ही प्रशासन है, रीवा का ही थाना है, रीवा का ही जनपद है, इसका मतलब कि सबकी साठ गांठ है। और ये जो हत्या हुई है, इस हत्या में बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ फंसने वाले हैं अगर अच्छे से जांच हो जाएगी। हरीश शर्मा का जो CDR है निकाल लिया जाए और उसको सार्वजनिक किया जाए, हमारी मांग है। ये रीवा के जनता के सामने वो घिनौने चेहरे आ जाएं जो हत्या के बाद उसको सहयोग कर रहे थे, और जो माता जी हैं उनको न्याय मिले, जो भाई जिंदगी मौत से जूझ रहा है उसकी दवाई का किसी तरह से हम लोग आप सबके सहयोग से भुगतान कर रहे हैं। 3 लाख से ज़्यादा भुगतान हो चुका है, 90,000 6 दिन का बेड का पड़ा है। कल विंध्या हॉस्पिटल वाले हटाए दे रहे थे, कलेक्टर साहब से SP साहब से बात किया, उन लोगों ने बात किया होगा तब तो रखे हैं। आखिर क्या मजबूरी है कि सारे एविडेंस हैं, सारे फुटेज हैं, वीडियो हैं, और ख़तरनाक एक वीडियो कल मिला है, उसके बाद भी उस पर कार्यवाही नहीं हो रही। मोबाइल में उसने फ़ोन किया, जिनको किया, जौन भगाए, वो सब क्लियर है, फिर भी कार्यवाही नहीं हो रही। हमारे सभी साथियों को अभी हॉस्पिटल ले जाने के लिए आए थे, हो सकता है ज़बरदस्ती भी करें। सबका BP लेवल काफ़ी डाउन हो रहा है, आज 4 तीसरा दिन है। आज जब हम लोगों ने ट्विटर पे DGP और सबको ट्वीट किया है तब जाके इनकी निद्रा खुली है और आज जाके मेडिकल हुआ है। रात में भी किसी तरह से कोई व्यवस्था नहीं दी गई, मतलब अत्याचारियों को खुला निमंत्रण प्रशासन की तरफ से है कि यहाँ लेटे हैं, इनकी हत्या कर दो, और हत्या की भी जा सकती, लेकिन जो मरने के लिए बैठा है उसको मरने का डर नहीं है, पर सबूत है। अगली खबर की बात करते हैं। रीवा जिले के नईगढ़ी थाना क्षेत्र के सिगदहा नाला के पास एक अज्ञात युवक की सर कटी लाश मिली है।
घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस मृतक की पहचान में जुटी है और ये पूरा मामला प्रथम दृष्टया प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है, लेकिन अभी कुछ स्पष्ट नहीं है। बात जब लोगों तक पहुंची तो काफ़ी सनसनी फैल गई क्षेत्र में। बता दें कि नाला के पास पानी में अज्ञात युवक का सिर कटा हुआ मिला था। जानकारी के मुताबिक युवक के सिर के साथ उसका हाथ और पंजा भी गायब था। हाथ से पंजा गायब था और गुप्तांग में भी चोट पहुंचाई गई थी। माना जा रहा है कि युवक की हत्या कर लाश नाले के पास फेंक दी गई। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। वो लाश की अभी पहचान नहीं हो पा रही है क्योंकि उसका सिर भी कटा हुआ है, एक हाथ कटा हुआ है और एफएसएल टीम के द्वारा मौके विजिट कर लिया गया है। पुलिस मौके मौजूद है, ऐसा प्रतीत हो रहा है प्रथम दृष्टया कि उसकी हत्या करी किसी ने, उसको वहाँ फेंका हुआ है। पुलिस अपनी तफ्तीश और पतासाजी कर रही है। अभी मृतक की पहचान भी नहीं हो पाई है। आसपास के थाना क्षेत्रों को, पड़ोसी जिलों को मैसेज कर दिया गया है और मृतक की पहचान के साथ साथ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हाँ, उसमें ऐसा प्रतीत हो रहा है देख के कि उसको गुप्तांग भी आधा क्षतिग्रस्त है। रीवा जिले के मनगवा नगर परिषद अंतर्गत मलकपुर तालाब के पास जमीनी विवाद के चलते दर्दनाक तरीके से मारपीट करने का मामला सामने आया है और इसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। जमीनी विवाद बढ़ने पर बौखलाए मुस्लिम परिवार के लोगों ने अचानक भारतीय जनता पार्टी के पूर्व पार्षद लवकुश गुप्ता और उनके बेटों पर हमला कर दिया। जानकारी के मुताबिक लवकुश गुप्ता और अन्य लोगों की निजी अराजी की भूमि पर मुस्लिम समाज के लोग जबरन कब्जा करना चाह रहे थे और इसका विरोध करने पर बौखलाए मुस्लिम पक्ष के लोगों ने लाठी डंडे से अचानक पूर्व पार्षद पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि पूर्व पार्षद अपने परिवार के साथ घर पर ही थे कि अचानक कुछ लोग गाली गलौज करते हुए पहुंच गए। उनको मना करने पर मुस्लिम परिवार के लोगों ने अचानक मारपीट शुरू कर दी और इतनी बुरी तरीके से पीटा कि सभी लोग लहूलुहान हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। इस घटना के बाद मनगवा क्षेत्र में स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस पर क्या कार्यवाही करता है। पूरे मध्य प्रदेश में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों में निराशा है क्योंकि सरकार द्वारा किया गया वादा अभी तक पूरा नहीं किया गया और पिछले कुछ दिनों से संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अपनी इन मांगों को लेकर न केवल जिला बल्कि प्रदेश भर के बड़े नेताओं, यहां तक कि मुख्यमंत्री से भी मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन निराकरण अभी तक नहीं हुआ। रीवा जिले में भी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी प्रदर्शन कर चुके हैं और अपनी मांगों को जनप्रतिनिधियों और सरकार के सामने रख चुके हैं। सड़कों की सफाई करते हुए पीपीई किट पहनकर उन्होंने याद दिलाया कि किस तरीके से कोरोना काल में उन्होंने सभी लोगों की जान बचाने में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन 1 अप्रैल से उन्हें निकाल दिया गया, जिसके बाद अब रोजी रोटी का संकट उनके सामने आ खड़ा हुआ है। संविदा में संविलियन की मांग को लेकर प्रदेश के तमाम संविदा कर्मचारी मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, चिकित्सा शिक्षा मंत्री और सभी जनप्रतिनिधियों से मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी मांगें पूरी नहीं हुई, केवल आश्वासन मिला। आइए आपको सुनाते हैं संविदा कर्मचारी का क्या कहना है। शासन की ओर से अभी तक किसी तरह का हम लोगों को आश्वासन नहीं मिला है। हमारी मांगे हैं कि हमें संविदा में सम्मिलियन किया जाए, जो कि अस्थायी संविदा के पोस्ट पर हम लोग पदस्थ थे, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट के पद पर। कब से पदस्थ थे ये? हम 20 अप्रैल 2020 से पदस्थ थे, जो कि अभी 1 अप्रैल से हम लोगों को बाहर कर दिया गया है। पिछले लगभग 2 वर्ष का आ जाए तो पूर्ण हो रहे हैं। आपातकालीन सेवाओं के लिए आप लोगों को अपॉइंट किया जी जी सर, तो उसमें क्या ऐसा कोई कमिटमेंट था कि आपको आगे कंटिन्यू करेंगे या आश्वासन मिला था? उसमें ऐसा कमिटमेंट तो लेटर में नहीं था, लेकिन शासन के द्वारा पहले नियुक्ति हमारी 90 दिन के लिए की गई और ये जो नियुक्ति थी लगातार बढ़ाई जा रही थी। अब जब 2 साल हो गए तो हम लोग भी उसी पे निर्भर हो गए और हम लोग देश प्रेम की भावना रखते हुए कार्य किए, तो शासन को भी सोचना चाहिए हमारे बारे में, क्योंकि फूल बरसाए गए हमारे ऊपर, हमको सम्मानित किया गया, लेकिन अभी 1 अप्रैल से हम लोगों को बाहर कर दिया गया, जिसमें कि कोरोना अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। कोरोना की संख्या कम है, पॉजिटिव दर कम है, लेकिन अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है सर। अभी आप क्या चाहते हैं, किस किस से मिल चुके हैं, मुख्यमंत्री से क्या बात हुई आपको? हम लोग हमारी टीम के द्वारा सभी नेताओं से, लगभग मध्य प्रदेश में कहें तो मुख्यमंत्री से भी मिल चुके हैं, हम विधानसभा अध्यक्ष जी से भी मिल चुके हैं, हम स्वास्थ्य मंत्री से भी मिल चुके हैं और चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी से भी मिल चुके हैं। सब ने आश्वासन दिया, NHM की डायरेक्टर प्रियंका दास जी से मिल चुके हैं, लेकिन किसी के द्वारा केवल आश्वासन मिल रहे हैं और सबका यही कहना है कि जो निर्णय लेंगे आखिरी, वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी लेंगे।
रीवा जिले के मनगवां तहसील अंतर्गत एक फर्जी कूट रचित राजस्व अदालत चलाने का मामला सामने आया है, जहां पर कुछ लोग अनुविभागीय अधिकारी बनकर खसरा सुधार का आदेश तथा फर्जी प्रकरण चलाकर दर्जन भर से ऊपर किसानों की भूमि हड़पने की साजिश और करोड़ों की राशि लेकर मनगढ़ंत योजनाबद्ध तरीके से फर्जी आदेश जारी कर रहे हैं। इस संबंध में सामाजिक कार्यकर्ता बीके माला ने रीवा संभागायुक्त को ज्ञापन सौंपकर जानकारी दी है और उच्च स्तरीय जाँच कराए जाने की मांग की है। को संबोधित एक ज्ञापन पत्र हम लोगों ने दिया है संयुक्त रूप से। उस ज्ञापन पत्र के माध्यम से हमने आयुक्त महोदय जी से निवेदन किया है कि रीवा जिले के तहसील मनगवां में एक फर्जी अदालत तैयार की गई है। उस फर्जी अदालत के माध्यम से लगभग 30 आदेश ऐसे जारी हुए हैं जो हमारे पास वर्तमान में 30 भूमि स्वामियों के हैं, जो 7 आदेश वर्तमान में हमारे पास हैं। उस आदेश में टिकट लगे हुए हैं, प्रकरण क्रमांक दर्ज है, पर उसकी फाइल मनगवां तहसील में दर्ज नहीं है। वो इस्तलाबी के लिए संबंधित हल्का पटवारी के पास वो रिकॉर्ड जा चुके हैं। पटवारी ने उसकी तफ्तीश करनी शुरू कर दी है और उसमें कई भिन्नताएं पाए जाने के संदर्भ में मार्गदर्शन भी चाहा गया है, परंतु जो वर्तमान में हम लोगों के पास आदेश प्राप्त हुए हैं वह आदेश फर्जी हैं। वह मनगवां तहसील के जो प्रकरण क्रमांक है वो प्रकरण क्रमांक पूर्व में किसी अलग भूमि स्वामी के नाम दर्ज हैं और यह टिकट लगा हुआ अनुविभागीय अधिकारी तहसील मनगवां के सिग्नेचर हैं, जिसमें अनुविभागीय अधिकारी के जो हस्ताक्षर है पदमुद्रा है वो ए के सिंह साहब के, जो इसके पहले तत्कालीन वो थे, वर्तमान में भी वो SDM वहाँ हैं। और यह लोक सेवा केंद्र 7 में कार्यालय के अधिकारी कर्मचारी और कुछ दलाल मिलके लगभग ये तो हमारे पास जो पुष्ट रूपी आदेश हैं वो 7 आदेश हैं। इस प्रकार के सैकड़ों आदेश की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, यानी कहा जा सकता है कि निजी भूमि स्वामी कई करोड़ की संपत्ति, बेशकीमती भूमि को ये जो हमारे इर्द गिर्द दिख रहे हैं, सामने है, दृष्टिगोचर हो रहे हैं, ये भूमि स्वामी हैं। इनकी भूमि को बिना इनके सुने एक आदेश जारी हो गया। जब इस्तलाबी होने लगी, इसकी जानकारी लोगों को होने लगी, तो अपने अपने हल्का पटवारियों से लोगों ने बात की, पता लगाया तो फर्जी आदेश पूरा घूम रहा है, इस्तलाबी के लिए जा रहा है। इस प्रकार पूरे मनगवां तहसील में इस प्रकार के फर्जी कूटरचित मनगणना दस्तावेज तैयार हैं, यानी शनिवार रविवार को एक अदालत तैयार की जाती है, वह अदालत तैयार करके लोगों का रिकॉर्ड दुरुस्त किए जाते हैं, फर्जीवाड़ा किया जाता है और इसके आधार में करोड़ों की संपत्ति बेशकीमती बेची जाती है। आज ये जो जितने भूमि स्वामी दिख रहे हैं, तड़प रहे हैं, इनके माध्यम से आयुक्त महोदय का ध्यान आकृष्ट कराया गया है और जांच की मांग की गई है और संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध करने का आग्रह किया गया है। मध्य प्रदेश के सीधी जिले के कुसमी जनपद पंचायत अंतर्गत सोनगढ़ में गौड़ परियोजना के तहत वृहद सिंचाई डैम बनाने का विरोध लगातार जारी है। अब रहवासियों ने अपनी मांग को लेकर जल सत्याग्रह शुरू कर दिया है। आंदोलनकारी 3 माह से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन ने अभी तक गौड़ परियोजना के इस डैम पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। ग्रामीणों ने गोपद नदी में जाकर जल सत्याग्रह शुरू कर दिया है। आदिवासी जल, जंगल और जमीन नहीं छोड़ना चाहते। ऐसे में उन्होंने करीब 3 महीने से धरना और आंदोलन करने के बाद अब मंगलवार से जल सत्याग्रह भी करना शुरू कर दिया। आदिवासी समुदाय को लगता है कि गौड़ सिंचाई परियोजना बनने से जल, जंगल और जमीन का साथ छूट जाएगा। आपको बता दें, यह सिंचाई परियोजना गोपद नदी सोनगढ़ में बनाया जा रहा है, जिसमें सीधे जिले के कई गांव सहित सिंगरौली जिले का कुछ हिस्सा भी शामिल किया गया है। ऐसे में यहाँ रहने वाले आदिवासी परिवार 23 फरवरी से लगातार धरना कर रहे हैं। बढ़ते हैं बुलेटिन की आखिरी खबर की ओर। उमरिया जिले के नौरोजाबाद रेलवे स्टेशन के समीप हाईवे पर हुए सड़क हादसे में घायल 2 मासूमों में रमन की मृत्यु हो गई है। बताया जा रहा है कि मृत मासूम रमन को जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार कर जबलपुर रेफर किया गया था। रेफर के दौरान ही कुछ ही दूरी पहुंचने पर उसकी मृत्यु हो गई। इस हादसे में घायल दूसरा मासूम समीर का इलाज जबलपुर में हो रहा है। हालांकि समीर की हालत भी गंभीर बताई जा रही है। रमन की मौत के बाद जिला अस्पताल में PM आदि की कार्यवाही कर अंतिम संस्कार के लिए शव परिजनों को सौंपा गया है। हादसे के बाद इस घटना की जानकारी जिसे भी लगी, सभी ने हाईवे पर फर्राटेदार दौड़ रहे वाहनों पर शेष और रोष व्यक्त करते हुए निरंतर हादसों के बढ़ते ग्राफ पर चिंता व्यक्त की है। औसतन हर रोज हाईवे पर छोटी बड़ी दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिनमें कई इंसानी मौतों से परिवार भी उजड़ रहे हैं। जरूरी है कि हाईवे पर बेतरतीब और तेज गति से दौड़ रहे वाहनों पर अंकुश लगाया जाए और लापरवाह चालकों पर कड़ाई से कार्यवाही की जाए। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।